अस्सलाम वालेकुम अम्मी के खानों में आपकी अम्मी एक दफ़ा फिर आपके लिए बहुत मज़े की चीज़ लेके आई है। आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ हरी मिर्चें, तली मिर्चें, जो दाल चावलों के साथ, किसी सब्जी के साथ, पराठे के साथ, सुबह नाश्ते में, हर मौके पे ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। और इसकी हिस्ट्री मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ कि आज से तकरीबन कोई 25-26 साल पहले मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, मैं कराची जा रही थी। कराची में एक खातून मेरे साथ मेरे कूपे में बैठी हुई थी और उनके साथ ये हरी मिर्चें तली हुई थी। मेरा भी अपना एक लंच बॉक्स था, मैंने उनके साथ शेयर किया, उन्होंने मेरे साथ, तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने खाई और मुझे बड़ी मज़े की लगी। और ये बड़ी पुरानी है, हिस्ट्री है इसकी, और उन खातून ने मुझे बताया कि ये इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। आप यकीन करें मुझे वो इतनी टेस्टी लगी कि मैंने फिर घर आके वो बनाई। ना सिर्फ मैंने खाई, मेरे मियाँ ने खाई, मेरे ससुराल वालों ने खाई, मेरे अपने घर वालों ने, मेरे अपने बहन भाइयों ने, उनको भी मैंने बना के खिलाई। जिस किसी ने भी खाई वो उसने तारीफ के बगैर वो नहीं गए। स्टफ्ड हरी मिर्चें हैं ये, आजकल मार्केट में बड़ी हरी मिर्चें आई हुई हैं, ज़रा साइज में थोड़ी सी हैं। धो के इनको अच्छी तरह ड्रेन कर लिया है, इनका पानी कुछ कर लिया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो बहुत कम हैं, बस थोड़ी सी ज़रा सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत शानदार इसका मिलेगा। हरी मिर्चियाँ मैंने ले लिया है, ये तकरीबन 1 पाव के करीब हरी मिर्चियाँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी घर में आपकी ज़रूरत है आप उस हिसाब से। अच्छा, ये कुछ दिनों के लिए रखी भी जा सकती हैं, ये मतलब आपके घर में 8-10 दिन चल भी जाएंगी, फ्रिज में, विदाउट फ्रिज के नहीं, फ्रिज में चल जाएंगी, उसके बाद ये ख़राब हो जाएंगी, इसमें फंगस लग जाएगा। अच्छा, इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी ये होगा इस्तेमाल, ये इमली इस्तेमाल होगी। ये इमली का देखें, मैंने इतना सा टुकड़ा इतना सा ले लिया, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कितनी होगी। और ये कुटी लाल मिर्चें हैं, ये ज़ीरा है 1.5 चम्मच है, भर के लिया मैंने 1.5 चम्मच, ये 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, और ये 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ का लिया है, और ये 1 चम्मच मैंने नमक का लिया, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये नमक हो सकता है मैं इसे कुछ कम कर दूँ, लेकिन जाएगा ये। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास ये हवन दस्ता है तो अंदर मैं चीज़ें डाल के कूट लूँ, जैसे कि ये साबुत धनिया, ये साबुत धनिया इसके अंदर जाएगा। इसका घी का जो टाइम है वो बहुत ही कम है, तो जिस मैं फ्राई करूँगी और थोड़ा सा ऑयल में लूँगी बस। और ये इमली का जो है ना, मैं उसको भिगो दूँगी अभी पानी में। और उसके बाद जो है ना, ये मैंने जीरा ले लिया, साबुत धनिया ले लिया, और ये सौंफ ले लिया, इसको मैं कूट लूँगी, मोटा मोटा कूट लूँगी। चले जी, ये मैंने देखे, ये मोटा मोटा मैंने कूट लिया आपके सामने, ये बहुत बारीक भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं छोड़ना, इसको मैं दरदरा करके कूट लिया। अब उसके बाद मैं इसके अंदर ये जो नमक और मिर्चें हैं वो मैं ऐड कर लूँगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको मिक्सर करके मिक्स कर लूँगी, ठीक है। अब ये मिक्स कर ली, अब हरी मिर्चें मैंने सारी चीरा पीछे दे दिया आप लोगों के लिए, मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए, ये मैंने ना इसमें से एक किस्सा करके ये ऐसे किस्सा करके चीरा दे दिया, और ये देखें इस तरह ये हरी मिर्च खुल जाएगी। अब उसके बाद ये मैंने सारे जो मसाले मैंने मिक्स किए हैं इसके अंदर, अब ये मैं इसके अंदर ये हिस्सा करके ढक दूंगी, ठीक है। ये देखेंगे मैंने इसमें हरी मिर्च की भर दी। सकते हैं, अगर आप 5-6 बना रहे हैं तो आप कम ऑयल डाल दें, ठीक है। ये मेरी हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा है, 1 पाव के करीब है, ये मेरी तकरीबन 8-10 दिन चलेंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा डाला है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी, अभी से बहुत मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है, बड़ा मज़े का अरोमा आ रहा है।
देखें जी मेरी हरी मिर्चें हल्की अच्छी सी वो फ्राई होनी शुरू हो गई हैं। देखें आप ये वाइट वाइट कलर हो गया इनको, ये भुन रही हैं तकरीबन, अब ये तैयार है। वैसे इससे ज़्यादा मैंने इनको नहीं फ्राई करना, वरना ये फिर जलने की तरफ चली जाएंगी, मसाला भी फिर जल ना जाए। बस ये ख्याल करना है कि मसाला आपका जले नहीं, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें, ये मैंने इमली का पल्प तैयार किया था, अब ये पल्प मैंने ये थोड़ा सा मसाला बच गया था, ये मैं चार मसाला भी मैं डाल रही हूँ। हरी मिर्चें तकरीबन तैयार है, बस इसे एक मिनट के लिए मैं दम पे रखूंगी, जस्ट वन मिनट में इन्हें दम पे रखूंगी और बस मैं फिर चूल्हा बंद कर दूंगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बस अब ये बस मैंने चूल्हा बस बंद कर दिया बस जी। तो हमारी हरी मिर्चें तैयार हैं, देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत हैं और बेहतरीन मसाला, बेहतरीन हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं। हरी मिर्चें ज़रा सॉफ्ट भी हो गई हैं और इमली का गूदा भी बहुत अच्छा था, इसमें गुठलियाँ मैंने निकालनी थी और आपके सामने मैंने बस एक आधे मिनट का मैंने सिर्फ दम पे इसको रखा था, फिर चूल्हा बंद करके मैंने ढक्कन ढक दिया था, वो अपनी ही गर्मी में ज़रा सी और पसीज गई थी। और ज़रूर बनाइएगा दाल के साथ, चावलों के साथ, पराठे के साथ, सब्जी के साथ, बहुत मज़े का ये टेस्ट देती हैं। और ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।